दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा ही। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है पहला, कि जो हमारा क्लिंग प्राइस है, क्लिंग प्राइस जो है वो कौन देता है, कौन देता है क्लिंग प्राइस? तो आपको देता है यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है वो आपका क्लिंग प्राइस प्रोवाइड करवाता है। देन इम्पॉर्टेंट जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू बी मिस यूनिवर्स। पहली ऐसी कौन सी इंडिया की वूमेन थी जो मिस यूनिवर्स बनी? तो वो थी हमारी सुष्मिता सेन। देन मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न दिया गया, पहले नॉन इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला? वो थे हमारे खान अब्दुल गफर खान। जो हमारे खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोल जाता, उनको ये दिया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे आता है कि द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू हॉनर जिनको भारत रत्न मिला, पहले वो स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, पहले स्पोर्ट्स पर्सन? तो वो हमारे थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ऐसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन हुए हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड जो वो प्रोवाइड करवाया गया, उनको इससे नवाजा गया। तो हर साल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हर साल कितने नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, टोटल कितने नोबेल प्राइज़ एक साल में दिए जाते हैं? तो वो आपके सिक्स, एक साल में सिक्स नोबेल प्राइज़ जो हैं वो दिए जाते हैं हमारे। देन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है अवार्ड के रिलेटेड है ये भी, कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किससे एसोसिएट करता है? आपका द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट करता है? वो आपका स्पोर्ट्स के जो हमारे कोचिज हैं, जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग कोचिज होते हैं, तो उस चीज़ से रिलेट करता है।